टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. अर्लियर वी डेल्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप दैट यू पीपल वर नॉट हैविंग डाउट टिल देयर. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद सर्कुलेशन. तो बेसिकली सर्कुलेशन में ब्लड जब घूम रहा है बच्चे लोग पूरे बॉडी में तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना. वो चीजें वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है. और बहुत सारे जानवर में इन मेनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बाय व्हाट, डिफ्यूजन. ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन एंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल. कोई मुझे बताएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे तुमने एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ा था उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है. कोई बताएगा मुझे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है. हेलो, the cells have to spend energy. Okay, the cells have to what? Spend energy. Active transport मतलब cells को energy खर्चा करना पड़ रहा है. Okay, now cyclosis. What is cyclosis? Cyclosis का मतलब होता है streaming movement. एक particular type का movement जो तुमको किसमें दिखाई देगा, ठीक है, cytoplasm में of the cell is known as what? Cyclosis. Okay, so cyclosis क्या है? It is a streaming movement of the cytoplasm shown by almost all living organisms. बहुत सारे living organisms क्या दिखाते हैं? Cyclosis दिखाते हैं. Okay, cyclosis is the streaming movement of the cytoplasm. Cyst का मतलब process. Okay, I am just sharing a video with you so that it gives you an idea of what is cyclosis. Can you see my YouTube page, students? Yes, ma'am. Hello? Students, can you see my YouTube page? Yes, ma'am. Okay. So, ये जो cyclosis दिखा रही हूँ मैं वो plant cell में, but okay, wait. I got one. Can you see? देखो किस तरह से साइटोप्लाज्म घूम रहा है. कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम. जानवी तिवारी, यू आर रेज योर हैंड. जैस, यू आल्सो रेज योर हैंड. जैस, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? यस मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ग्रीन ग्रीन आया हुआ पूरा. देखो अभी दिख रही है क्या? यस मैम, अभी दिख रही है. एवरीवन कैन सी द यूट्यूब पेज स्टूडेंट? यस मैम. यस, थैंक यू. सो आई एम ट्राइंग टू शो यू साइक्लोसिस. साइक्लोसिस का मतलब क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, जो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में दिखाई देगा. द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज व्हाट? साइक्लोसिस. एंड इट कैन बी सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म like the paramecium, amoeba, root hair cell of many plants, leukocytes in animals. Okay? So cyclosis का एक बार वीडियो देख लो कि क्या है, ताकि तुमको याद रहे कि cyclosis क्या है. देखो ये जो डॉट डॉट घूम रहा है ना, इसी को हम cyclosis बोल रहे हैं. यहाँ पे cytoplasm घूम रहा है. Okay? क्या घूम रहा है? cytoplasm. कोई मुझे बोल सकता है इसका क्या फायदा हो सकता है? साइक्लोसिस का, साइक्लोसिस का क्या फायदा है? एनीवन, सेल को कोई फायदा है साइक्लोसिस से? कैन यू पीपल हियर मी? कैन यू पीपल हियर मी? समवन है? Did you raise your hand? No, ma'am. Okay. Ma'am, Nazreen. Yes, Miss Chaudhary, can you hear me? Yes, ma'am. हाँ, क्या फायदा है बेटा cyclosis से? ये cytoplasm के घूमने से cell के अंदर कुछ फायदा है क्या? Yes, ma'am. वो इधर उधर घूमते रहता है. तो क्या होगा? हाँ, तो इससे क्या होगा? So it is an intracellular transport. क्या है ये? Intracellular transport. Cell के अंदर चीजें क्या हो रही है? Transport हो रही है. ठीक है?
अंदर चीजें क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है. ओके, तो साइक्लोसिस जो है उससे क्या फायदा है, व्हाट इज द फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ साइक्लोसिस, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेड, कोई मुझे बोलेगा स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आता है, विच फाइलम दस स्पॉन्जेस बिलोंग टू, पॉलीफेरा. ग्रेट, वेरी गुड. सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट नेडेरिया, वेरी नाइस. ओके, सो स्पॉन्जेस जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया. ओके, तो इनके बॉडी के अंदर पानी जाती है, बाहर से इनके बॉडी के अंदर क्या जाता है, पानी जाता है. ओके, इन फ्लैटवर्म्स ऑल्सो देर इज पैरेन्काइमल सर्कुलेशन. फ्लैटवर्म्स में किस टाइप का सर्कुलेशन है, पैरेन्काइमल सर्कुलेशन. ओके, तो बेसिकली सर्कुलेशन हो क्यों रहा है, सर्कुलेशन से मेन फायदा क्या है, इट इज ट्रांसपोर्टेशन, इट इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. कॉकरोच में कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, इन कॉकरोच विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन डू वी हैव, कॉकरोच शोज विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एनीवन रिमेंबर्स, वी हैव स्टडीड इट इन ग्रेड 11, ओपन टाइप सर्कुलेशन. वेरी गुड, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, हायर ऑर्गेनिजम्स में तुमको क्या मिलेगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ओके, अब देखो क्या है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में ओके व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी. ब्लड को क्या बोलते हैं हम, हीमोलिम्फ. व्हाई हीमोलिम्फ, बिकॉज इट इज कलरलेस इन नेचर. ओके, द ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ एंड इट फ्लोज इन द ओपन साइनसेस inside the body. I used the word inside the body, so I can call it as hemocele. So the hemolymph is circulated in the hemocele. Okay, and the tissues are in direct contact with the blood or the hemolymph. Open circulation mein hemolymph flows inside the hemocele. Okay, the tissues are in direct contact with the hemolymph. Exchange of material takes place directly between the blood and the cell or the tissue. Open circulation में exchange जो है materials का वो directly होता है blood और tissue के बीच में. Okay? और open circulatory system में hemolymph जो है it flows at a comparatively less pressure, low pressure. Okay? It flows at a comparatively low pressure. Okay? And this particular hemolymph does not transport respiratory gases. Open circulatory system mein hemolymph will not transport what, respiratory gases. See, open circulatory system, blood ke liye word use karoge hemolymph, flows through large open spaces called lacuna and sinuses. Okay, among the tissues are in direct contact with the blood flow is very slow and the blood has very low pressure. Exchange of gases and nutrients takes place directly between the blood and the tissue. Usi jagah pe ulta kar do closed circulatory system ulta kar do. Yahan pe blood jo hai it flows in closed tubes and chambers. Okay, hamara jo circulatory system hai, fishes ho gaya, amphibians hai, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर ब्लड किस में फ्लो करता है, क्लोज्ड सिस्टम ऑफ चेंबर्स कॉल्ड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. हमारा ब्लड कभी भी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, हमारा ब्लड कभी भी टिश्यू के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है. ओके, हमारे बॉडी में या फिर हायर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करेगा और प्रेशर भी कंपैरेटिवली ज्यादा है. जब मैं कंपैरेटिवली बोल रही हूँ तो किसके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ. न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस पास थ्रू, न्यूट्रिएंट्स और
और गैसेस जो है वो किसके माध्यम से पास हो रहा है, ब्लड से टिश्यू में तो जा रहा है, लेकिन बीच में क्या है, कैपिलरी वॉल, उसके बाद टिश्यू फ्लूइड और उसके बाद आता है टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे फर्क है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड और टिश्यू के बीच में, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड, ब्लड से कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू। आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस डिफरेंसेस, आई विल बी आस्किंग इट, सो काइंडली नोट दिस डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड काइंडली लेट मी नो। कैन आई चेंज द स्लाइड? यस मैम। ओके, गिव मी एग्जाम्पल, दोज हु वांट टू आंसर कैन अनम्यूट देमसेल्फ्स एंड आंसर। Give me example of two organisms that show open circulation. Example of any two organisms that show open circulation. Cockroach. ये तो एक ही हुआ, मैंने दो मांगा था। Mollusca. Yes. Example of two organisms. Question को समझो, mollusca एक phylum होता है। I accept the answer. Ma'am, octopus. Frag, octopus. Tapia क्यों नहीं बोला किसी ने? Tapia क्यों नहीं? Tapia भी तो मोलस्क है ना? But it shows closed circulation. Okay? Now, take difference between open circulation and closed circulation. Take difference between open circulation and closed circulation. Tissue are in direct contact with blood and in open circulation. In open circulatory system, okay. Tissue are in direct contact with blood, whereas in closed circulatory system, tissue are in direct contact with blood. Indirect. So it does not come in direct contact with blood tissue. Okay. Contact with tissue. Okay. There is one point. Blood flow is very slow, and blood has very low pressure. Yes. Whereas in closed circulatory system, blood flow is quite rapid, and blood has a high pressure. Ma'am, itna hi yaad hua. Koi baat nahi beta. Anyone else wants to speak the same answer? Anyone else willing to tell the same answer? Jay Pawar, Yash Pawar, Kunal Shinde, answer dena hai? ये वापस से एक बार वो स्लाइड दिखाओ। पहले ना बच्चे लोग जैसे ही ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं तो फर्स्ट यू शुड मेंशन दैट द ब्लड, ओपन सर्कुलेशन में तुम क्या बोलोगे, द ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेसेस एंड चैनल्स कॉल्ड लैक्यूना एंड साइनसेस। ओके, जबकि क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड फ्लोज इन अ क्लोज चेंबर एंड ट्यूब्स कॉल्ड एज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि चौधरी ने बोला टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, वेयरएज इन क्लोज सर्कुलेशन टिश्यूज आर इन नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ओके, इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेशन द ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो एंड हैज अ वेरी लो प्रेशर, वेयरएज इन क्लोज सर्कुलेशन ब्लड फ्लो इज क्वाइट रैपिड एंड द ब्लड हैज हाई प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस and nutrients take place directly between the blood and tissue, whereas in closed circulation the exchange of gases and nutrients takes place between the capillary and tissue fluid and then it is passed on to the tissue. Chalo ek bar patapat dekh lo, I want the answer now, not from Chaudhary and not from Jazz, from someone else. May I request any one of you to kindly tell the answer? Abhishek Mudliar, what happened? Online class, so he's not answering. Ganesh Negi,
हर्ष श्रीवास्तव, जय पवार। यस मैम। बेटा आंसर बोलोगे ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन का डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट बोलो बेटा। यस मैम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज थ्रू अ लार्ज ओपन स्पेसेस एंड चैनल्स कॉल्ड लैक्यूने एंड साइनसेस। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज थ्रू अ क्लोज सिस्टम कॉल्ड हार्ट एंड वेसल्स। इफ यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड। वेरी गुड। नाउ ब्लड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड टिश्यूज, इट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद टिश्यूज इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज विथ लो विथ ब्लड फ्लोज स्लोली एंड विथ अ वेरी लो प्रेशर। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज रैपिडली विथ अ हाई प्रेशर। In open circulatory system, exchange of gases and nutrients takes place directly between blood and tissues. Blood. In closed circulatory system, nutrients and gases pass through capillary wall to the tissue fluid, and from there they are passed to the tissues. Very good, very nice. Now, Roshan Ghadigaonkar. रोशन घड़ीगांवकर, कैन यू हियर मी? अरे बेटा आंसर नहीं पूछ रही हूँ। रोशन? यस मैम। बेटा तुम्हारा कोई भाई पढ़ता था क्या पहले यहाँ पे? रोशन? हाँ सर मैम, बोलिए ना। आपका कोई भाई पढ़ता था क्लासेस में इससे पहले? नहीं। ओके ठीक है, आई माइट हैव मिस्ड इट। Okay, now there are types of circulation, single circulation and double circulation. बच्चों शायद तुमने lower classes में पढ़ा होगा, मैं double circulation की बात कर रही हूँ, double circulation. ठीक है, जो कि characteristic features है किसका, mammal का. Okay, human heart क्या दिखाता है, double circulation दिखाता है. ध्यान से देखना मैं arrow किधर चला रही हूँ. Right ventricle, right, हमेशा याद रखना राइट साइड जो है हार्ट का, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ओके, इज फर्स्ट कैरीड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किधर जाता है, लंग्स में, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा और उसके बाद वो दोबारा किधर आता है, हार्ट में। आई रिपीट, हार्ट से ब्लड लंग्स में गया और दोबारा हार्ट में आया, हो गया ठीक है। हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में गया, सिस्टमिक सर्किट मतलब बॉडी, ह्यूमन बॉडी को सिस्टम बोलते ठीक है। तो हार्ट से ब्लड किधर गया, बॉडी में, और दोबारा से हार्ट में आया, तो दो बार हुआ ना, हार्ट में से ब्लड तो दो बार फ्लो हो रहा है, एक बार लंग्स, हार्ट से लंग्स में और वापस से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में और दोबारा से हार्ट में। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, चाहे वो लंग्स में जा रहा है या बॉडी में जा रहा है, लेकिन उसको आना किधर पड़ रहा है, हार्ट में से, हार्ट में से बाहर निकल रहा है, ओके, लंग्स में जाएगा दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट में से बाहर निकल रहा है बॉडी में जाएगा दोबारा हार्ट में आएगा। तो इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। तुमको डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में और मैमल्स में मिलेगा, इसमें मिलेगा बर्ड्स और मैमल्स में। अब ध्यान से सुनो, मैं ये बिलीव कर रही हूं तुमको थोड़ा बहुत हार्ट का स्ट्रक्चर पता है। राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स द ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट
contains oxygenated blood. That means the blood is rich in oxygen gas. इतना समझा? Someone unmute and say that what I have taken for double circulation till now. Double circulation के लिए मैंने क्या बोला? एक बार मुझे repeat करके बोलो. Come on guys. जो भी समझा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी ब्लड पासेस. हाँ, ब्लड पासेस थ्रू हाँ हार्ट ट्वाइस टाइम. द राइट साइड कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड कंटेनिंग ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच एंड. नहीं 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 चौधरी लिखो. राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट इज द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. गिव मी अ मिनट चाइल्ड. आई एम राइटिंग इट हियर. Right side of heart deoxygenated blood so that it will not lead to a confusion. Okay, rich in carbon dioxide. ठीक है. Okay ma'am. Give me a minute. अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. That is blood rich in oxygen gas. ये ठीक है अभी? इतना confusion सब हट गया? Yes ma'am. Double circulation में the blood flows through the heart twice in a cycle. Okay? Blood flows through the heart twice. इतना याद रखोगे तो भी चलेगा. अब मैं बोल रही हूँ कि right side of heart में कौन सा blood है? राइट साइड ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. अब ध्यान से सुनो. डी का मतलब है वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किधर गया? लंग्स में. फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओके द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स. Where the blood is oxygenated, जहां पे ब्लड को क्या कर देते हैं? रिच इन ऑक्सीजन. वो तुमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है. ओके. नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम. ओके. मैं यहां लिख रही हूं राइट वेंट्रिकल से किधर गया? लंग्स में. राइट वेंट्रिकल से किधर गया? लंग्स में. ठीक है. और दोबारा किधर आया? लेफ्ट एट्रियम में. ये सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी, क्योंकि बीच में सिर्फ क्या आ रहा है? लंग्स आ रहा है. पल्मोनरी सर्कुलेशन. इतना ठीक है. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू द लंग फॉर ऑक्सीजनेशन and brought back to the left atrium of heart. ये circulation को हम क्या बोलते हैं? Pulmonary circulation. ये समझा क्या? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes Pawar. Yes ma'am. Hear me Pawar. Yes Pawar. Yes ma'am. आने बोलो हम क्लास में. Okay, can you please repeat beta what I spoke about pulmonary circulation? The deoxygenated blood present in the right ventricle is carried to the lungs.
And from the lungs, the deoxygenated blood is oxygenated and then and further carried to the left atrium. Atrium of the heart. So, yes, circulation, कौन सा circulation है बेटा? Double circulation. नहीं रे, pulmonary सीखा तू अभी, lungs है ना बीच में, तो ये कौन सा circulation है? Pulmonary circulation. ठीक है बाबा? Okay? Now. अभी ध्यान से सुनो, आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे ही जाएगा जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी. ओके, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से द ब्लड इज मूविंग टू द इज कैरीड टू द बॉडी. दिख रहा है मैं येलो कलर का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज कैरीड टू द बॉडी. द ब्लड इज कैरीड टू द बॉडी. अब गंदा हो गया, पूरे बॉडी में खून घूम रहा है तो ऑक्सीजन खत्म, और बाद में वो ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड. From the body it is brought back to the right atrium of heart. Okay, the oxygenated blood is carried from the left ventricle to the body and brought back. कौन से chamber में आता है? Heart के. And is brought back to the right atrium of the heart. Okay, to the right atrium of the heart. It is brought back to the right atrium of the heart. ये circulation को बोलेंगे systemic circulation. Systemic circulation body में गया और body से दोबारा heart में आया. Okay? ये circulation को क्या बोलेंगे हम? Systemic circulation. Is it clear? अब ये देखो heart में तो दो बार कर रहा है वो, right ventricle to left atrium, left ventricle to right atrium. इस सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि किसमें दिखाई देगा? बर्ड्स और मैमल्स में. ठीक है, इतना समझा? यस मैम. सिल्वेस्टर, अनम्यूट योरसेल्फ. सिल्वेस्टर, कैन यू हियर मी? यस मैम. सिल्वेस्टर, कैन यू हियर मी? यस मैम. बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन? यू डिड नॉट हियर? नो प्रॉब्लम, यू कैन म्यूट योरसेल्फ चाइल्ड. थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग. सोहम शिंदे, सुजित सावंत, सुमित पॉल, सुरभि, एनीवन हु कैन जस्ट टेल मी द मीनिंग फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन? सना मंसूरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज पास्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी and returns back to the right atrium has deoxygenated blood. This is called as systematic circulation. Not systematic, beta, systemic circulation. Sorry, ma'am, systemic circulation. इतना ठीक है? ये है double circulation. I repeat my answer once more. Double circulation, it is a type of circulation in which the blood flows through the heart twice. अब हमको बोलना पड़ेगा दो बार, मतलब कहां से कहां. तो पहले हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन. व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन.
okay? Systemic circulation, the oxygenated blood from the left ventricle is carried to the body. From the body, it is carried back to the right atrium of the heart. This is known as systemic circulation. I hope I am clear. Double circulation is found in reptiles, found in birds and mammals. किसी को भी डाउट है डबल सर्कुलेशन? हेलो मैम. हेलो. यस मैम, डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों होते हैं, तो सिंगल में कौन सा होता है? पढ़ाऊंगी बेटा. डबल डबल समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. अब सिंगल सर्कुलेशन इजी है काफी, ठीक है? यहाँ पे ब्लड जो है सिंगल क्यों बोला है? बिकॉज द ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ओनली वंस, एक ही बार पास हो रहा है. ओके, इट इज पासिंग थ्रू द हार्ट ओनली वंस, इसके लिए उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से देखो, ओके, वो हार्ट से किधर जा रहा है? देखो गिल्स में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से किधर जा रहा है? गिल्स में, क्योंकि हमको मालूम है फिशेज जो है उसमें कौन सा ब्रीदिंग दिखाई देगा तुमको? फिशेस कौन सा ब्रीदिंग दिखाता है, कौन सा रेस्पिरेशन दिखाता है? फिशेस कौन सा रेस्पिरेशन दिखाता है? क्लोज नहीं, रेस्पिरेशन बोला मैंने, सर्कुलेशन नहीं. कौन सा रेस्पिरेशन दिखाता है? द रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स इज नोन एज डैश. ऑन डीट वाले बच्चे शायद ध्यान दिए होंगे. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन याद आया? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से किधर गया? गिल्स में. यहाँ पे क्या होता है? गिल्स में होता है ऑक्सीजनेशन. यहाँ पे किधर हो रहा है ऑक्सीजनेशन? गिल्स में. और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से वापिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा. ओके, आई रिपीट, सिंगल सर्कुलेशन. इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन द ब्लड flows through the heart only once. The blood flows through the heart only once. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? Deoxygenated blood. Okay, deoxygenated blood जो है, यहाँ क्या हो रहा है? Deoxygenated blood जो है heart से किधर जा रहा है? Gills में. Gills में oxygenation हुआ. अब oxygenated blood दोबारा किधर आया? Oxygenated blood gills से किधर आया? Body में. बॉडी में घूमेगा ब्लड तो भी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, दोबारा से वो किधर आएगा? हार्ट में. हार्ट में से गिल्स ऑक्सीजनेशन के लिए, गिल्स में से बॉडी और बॉडी से हार्ट. ठीक है, वो विल रिपीट दिस सिंगल सर्कुलेशन. बेस्ट एग्जांपल तुम दे सकते हो किसका? फिशेस का. हु विल टेल मी? Can anyone explain me single circulation? नहीं समझा क्या? Hello, can you? Single circulation. The blood is passes only once. Okay. And the deoxygenated blood is passes the gills. And the oxygenated blood is passes to the various part of the body and then it come back to the heart. Very good. Come back to the deoxygenated. Anyone else? Yes ma'am. Yes, sure. Single circulation. The blood passes through the heart. It is known as single circulation. For example, fishes. Deoxygenated blood is passed from the heart to gills, and the deoxygenated blood is oxygenated and passed in the various and get deoxygenated and further it passes in the heart. Very good. So you people don't have any doubt in types of circulation. Shall I proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक बार रीड कर लो.
ओके सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल वेसल वेसल. ओके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. बच्चे लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्लड. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ये जो पर्टिकुलर वैस्कुलर सिस्टम है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट, होमियोस्टेसिस एंड प्रोटेक्शन. ठीक है, हमारा वैस्कुलर सिस्टम हमारी क्या मदद करता है? ट्रांसपोर्ट, होमियोस्टेसिस एंड प्रोटेक्शन. सो ब्लड, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी. स्टडी ऑफ ब्लड क्या है? हिमेटोलॉजी. लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी, हीम स्टैंड फॉर ब्लड. लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, और हीम का मतलब है ब्लड. व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. जो किसमें से डिराइव हुआ है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से. And it is slightly alkaline in nature. वो कैसा है? Slightly alkaline in nature. pH देखो क्या है? 7.35 to 7.45. हमारा जो ब्लड है ना बच्चे लोग, उसमें दो पार्ट है. एक आता है प्लाज्मा विच इज द फ्लूइड पार्ट. ओके द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा विच कंप्राइजेज ऑफ 55%. 45% ब्लड सेल्स है या ब्लड कॉर्पसल्स है. एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट. एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट. जस्ट टेक दिस स्लाइड, समझो ये स्लाइड को. सेजल यादव, कैन यू हियर मी सेजल यादव? व्हाट एन एनवायरमेंट टू स्टडी. Shirley D'Souza, Shirley, yes ma'am, Ravni, Srishti Gurav, Rohan, Rohan can you hear me? यस मैम. बेटा सो रहा था क्या? नहीं मैम. अच्छा चाय पिया बच्चा? यस मैम. नाश्ता किया? यस. हाँ अभी तंदुरुस्त और चुस्त होके जवाब दो. ठीक है? यस मैम. हाँ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज डैश. ब्लड. वेरी स्मार्ट रोहन, गुड मॉर्निंग. The fluid part of the blood is known as dash. Plasma. Plasma. Rohan, तुमने ये 9th में भी पढ़ा होगा. Sorry, 10th में भी पढ़ा था. हाँ मैम. हाँ इसलिए मैंने तेरे को गुड मॉर्निंग बोला. मुझे पता है ना तू लेट के मजे में लेक्चर सुन रहा है. ठीक है चल रोहन अब ये बोल. The blood cells present in the blood. नेम का ब्लड सेल्स. एरिथ्रोसाइट. हाँ. ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट. ग्रेट. कैन यू टेल मी द कॉमन नेम फॉर व्हाट इज दैट ऑफ ब्लड. Can you tell me the common name Rohan for erythrocyte? Red blood cells. Rohan, you are there on Instagram, right? No, ma'am. Mr. Rohan Dangar. I am the Christ ambassador being artist. Here I am. Is it your ID? अरे हाँ नहीं तो बोलो.
अरे मैम कुछ नहीं बोलेगी मैम, आई डोंट गिव अ व्हाट यू सेड. आर यू देयर ऑन द इंस्टाग्राम? ओ मैम, यू डोंट हैव एन इंस्टा अकाउंट? आई हैव बट आई एम नॉट देयर नाउ करंटली. अरे आई वाज आस्किंग आर यू देयर. ओके, आई एम नॉट आस्किंग आर यू देयर राइट नाउ. डू यू हैव? यस आई हैव. Ah, now come back to your class then. Now tell me the another name for erythrocyte. Rohan, erythrocyte ka dusra common name bol beta. Red blood cells. Ah, leukocyte. White blood cells. Great. Thrombocyte. Platelets. Good. Now you're awake. Thank you. So children, the blood, it shows the presence of two parts. The fluid part is known as the plasma, 55%. Blood cells, 45%. Erythrocyte ko tum common English mein red blood cells bol sakte ho. Leukocyte ko white blood cells bol sakte ho. Aur thrombocytes ko platelets bol sakte ho. Theek hai? Ab ye plasma jo hai na bache log, usme dhyan se sunna important hai. हमारा जो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है नेचर में, तो बट ऑब्वियस प्लाज्मा भी स्लाइटली अल्कलाइन ही होगा. इफ आर ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ओके, तो हमारा प्लाज्मा क्या रहेगा? स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. ओके, अब हमारा जो प्लाज्मा है 90% से लेके 92% उसमें क्या है? वॉटर. 90% सॉरी, तुम 92 मत बोलो, तुम्हारे बुक में 90% है तो 90 ही बोलो. 90% क्या प्रेजेंट है? वॉटर. प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90% क्या है? वॉटर. 7-8% क्या है? ब्लड प्रोटीन. 7-8% क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस ब्लड प्रोटीन. 7-8% ऑफ द ब्लड comprises of plasma protein. I repeat, 7-8% of the plasma contains plasma proteins like albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. Okay? Now, 1% is inorganic salt. 1% kya hai? Inorganic salt hai. 1% kya hai? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. 1% इज व्हाट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, क्लोराइड, कार्बोनेट. ओके, सो 1% यू कैन फाइंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज एंड क्लोराइड एंड HCO3 दैट इज कार्बोनेट. इतना ठीक है? इतना समझा? सुन रहे हो तो समझेगा. यस मैम. ठीक है, और 1% बचा है. 1%, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल. मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन. एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हेपारिन. ओके, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. गिव मी अ मिनट. ओके, इट आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडी. बेसिकली दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा. आई रिपीट वंस मोर, आर ब्लड कंप्राइजेस 55% ऑफ प्लाज्मा. हमारे ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा है. अब प्लाज्मा में 90% क्या है? पानी. 7-8% क्या है? प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन. ओके, प्रोटीन 7-8% लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन. 1% सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयन, मैग्नीज, क्लोराइड आयन्स एक्सेट्रा. रिमेनिंग 1% अदर्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन. ओके, एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन, जो ब्लड को
सॉलिड होने नहीं देता, इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट, ब्लड को गाढ़ा होने नहीं देता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा में क्या है, हेपेरिन, गैस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडी। आई विल बी आस्किंग द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, काइंडली रीड दिस स्लाइड केयरफुली। हेलो मैम। यस चाइल्ड। मैम आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप लोगों का हो गया ये, मैं चेंज करूँ स्लाइड? यस मैम। ओके राशि वाल्मीकि, कैन यू हियर मी? राशि वाल्मीकि, वाल्मीकि रिया रावत, कैन यू हियर मी? रोजी, रोजी, यस मैम। बेटा कैन यू नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड? सॉरी कैन यू लिसन टू मी केयरफुली रोजी, पे अटेंशन एंड फोकस। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज गैश, प्लाज्मा, वेरी गुड। एंड द सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज डैश, नो मैम आई डोंट नो, सॉरी आई डिडंट हियर। द सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज ब्लड कॉर्पसल, म्यूट योरसेल्फ चाइल्ड। कैन ओके कुणाल शिंदे, कैन यू हियर मी? कुणाल शिंदे काय झालं, आंसर नाही द्यायचंय तुम्हाला? जानवी तिवारी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा कैन यू टेल मी द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा इट कंटेन्स 90% ऑफ वॉटर, 7-8% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, फिब्रोजेन, प्रोथ्रॉम्बिन एंड ग्लोब्युलिन, 1% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा, एंड द लास्ट 1% कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, गैसेस एंड एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपेरिन। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ। कौस्तुभ प्रभु, कैन यू हियर मी? कौस्तुभ प्रभु, अजीमुद्दीन खान, कैन यू हियर मी? ओ गॉड। आर्यन दलवी, कैन यू हियर मी? यस मैम। बेटा कैन यू टेल मी द प्लाज्मा प्रोटीन, नेम ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन? नेम द प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रॉम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट? एंड ग्लोब्यूलिन, हाँ, प्रोथ्रॉम्बिन एंड वेरी गुड, फिब्रिनोजेन। Very nice. Thank you for paying attention, guys. Now, the blood cells that are produced in the body are collectively called formed elements. The blood cells that are, okay, produced in the body are called, are collectively called formed elements. And we will learn the blood cells one by one. Pehla hai erythrocyte. Bacche log, erythro ka matlab hota hai red. एरिथ्रो का मतलब क्या है, रेड। साइट का मतलब क्या है, सेल। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड। एरिथ्रो स्टैंड फॉर रेड, ओके। एरिथ्रो का मतलब है रेड। साइट का मतलब क्या है, सेल, इसीलिए हम उसको रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है, एनीवन? हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है? Why is our blood red in color? Or why the erythrocyte present due to the presence of hemoglobin? Due to the presence of hemoglobin. You can say that it's an iron containing pigment. Okay? Due to the presence of iron containing pigment, that is hemoglobin.
Now the red blood cells are circular. कैसा है हमारा red blood cells? Circular. Biconcave. ऊपर से और नीचे से तुम देखोगे ना वो concave है. दोनों साइड से concave है, इसके लिए हम word use कर रहे हैं biconcave. Enucleated. Enucleated. मतलब जब ये erythrocytes पैदा होते हैं, when these erythrocytes are formed, they show the presence of nucleus. But as they mature, the nucleus disappears. I repeat, when the erythrocytes are formed, okay, when the erythrocytes are formed, they show the presence of nucleus. But as they mature, the nucleus disappears. Such a cell is known as enucleated cell. ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? Enucleated. जय पवार, अनम्यूट योर सेल्स. जय पवार, यश पवार, बोलेंगे यश. यश बेटा, enucleated का मतलब क्या बताया मैंने? मैम, when the nucleus is present. When in the, तो मैं न्यूक्लिएटेड बोलूंगी ना, मैं ई न्यूक्लिएटेड ई का लगाऊंगी. व्हाट इज मीन्ड ई न्यूक्लिएटेड? व्हाट डू यू मीन बाय ई न्यूक्लिएटेड? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. नहीं, तो मैं नॉन न्यूक्लिएटेड बोलूंगी. एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है तो मैं नॉन न्यूक्लिएटेड बोलूंगी. मैं ई न्यूक्लिएटेड क्यों बोल रही हूँ? When they form, they have nucleus, but when they get matured, the nucleus disappears. Very good, Janvi. Children, please pay attention. समझो मैं क्या बोल रही हूँ. When the erythrocytes are formed, जब ये बनते हैं तब nucleus होता है, लेकिन जैसे ही वो mature होगा तो nucleus क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. It disappears. ऐसे cell को हम बोल रहे हैं, ऐसे erythrocytes को क्या बोल रहे हैं? Enucleated. समझ में आया? यश पवार, अनम्यूट करके बोलो मुझे, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है बेटा? When the erythrocytes, the nucleus is present, but when they matures, the nucleus disappears, is known as enucleated. Okay. Now, हमारा erythrocyte red color का है due to the presence of what? Hemoglobin, ये हमको पता है. Now, males में कितना नॉर्मल रेंज होता है एरिथ्रोसाइट का? ओके, इट इज 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. इट इज 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. 100 एमएल में हमको इतना मिलेगा. ओके, फीमेल्स में इट इज 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. तो दिस इज द टोटल आरबीसी काउंट. ये क्या है? टोटल आरबीसी काउंट है. ये क्या है? टोटल आरबीसी काउंट है. हमारा एरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज. हमारे एरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज. सिस का मतलब होता है प्रोसेस. कोई कोई वर्ड स्टैंड फॉर फॉर्मेशन. एरिथ्रो स्टैंड फॉर रेड. एरिथ्रोपोइसिस, the process of formation of RBC. The process of formation of RBC is known as erythropoiesis. I repeat, the process of formation of RBC is known as what? Erythropoiesis. The process of formation of RBC is known as erythropoiesis. The process of formation of RBC is known as erythropoiesis. हमारे आरबीसी किसमें से बनते हैं? कौन से सेल्स इसको पैदा करते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट. मैंने बोला था पहले भी 11th स्टैंडर्ड में, ब्लास्ट वर्ड जब भी आएगा समझ जाना वो डिवाइड होता है. तो आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट, या फिर उसका दूसरा नाम है रेटिक्यूलोसाइट. आरबीसी किसमें से प्रोड्यूस होते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट या तो फिर रेटिक्यूलोसाइट. ये स्लाइड ध्यान से देखो. द लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज डैश. द लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज डैश.
120 days. 120 days. Human RBCs are, RBCs, mammalian RBCs are red in color due to the presence of a pigment called DASH. Hemoglobin. Hemoglobin. Now, what do you mean by erythropoiesis? What do you mean by erythropoiesis? The process of formation of red blood cells, RBCs. Very good. The process of formation of RBC is known as erythropoiesis. बच्चों हमारे बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस होता किधर है या तो फिर हमारे बॉडी में आरबीसी बनते किधर है रेड बोन मैरो में हमारे बॉडी में आरबीसी किधर बनते हैं रेड बोन मैरो में ठीक है और एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन सा है फीटस फीटस लिवर एंड स्प्लीन एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन सा है फीटस फीटस मतलब गर्भ में जो बच्चा है उसको फीटस बोलते हैं तो उनके बॉडी में क्या बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स किधर बनता है लिवर एंड स्प्लीन में ओके फीटस के बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स किधर बनता है लिवर और स्प्लीन में अडल्ट में किधर बनता है रेड बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए विटामिन B12 फॉलिक एसिड एंड हीम ठीक है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए विटामिन B12 फॉलिक एसिड एंड हीम हमारे जो आरबीसी है ओल्ड एंड बोन आउट आरबीसी जो क्या बोलते हैं डैमेज हो गए हैं या तो फिर ओल्ड है बूढ़े हो गए हैं काम नहीं कर पा रहे ऐसे आरबीसी को हमारा बॉडी मार देता है लेकिन किधर कौन से ऑर्गन में मरते हैं ये लिवर एंड स्प्लीन RBCs, old and worn out RBCs are destroyed in the liver and spleen. Spleen को तो हम graveyard बोलते हैं। वो कौन सा organ है? Spleen, graveyard. Spleen को क्या बोलते हैं? Graveyard of the body. क्योंकि जो जो भी majority cells है वो किधर मरेंगे? Spleen में. I repeat once more, erythropoiesis मतलब process, poi मतलब formation. The process in which RBCs are formed is known as erythropoiesis. Fetus ke body mein kidhar tayar hota hai RBC? Liver and spleen mein. Adults ke body mein kidhar ho raha hai? Red bone marrow mein. RBCs banne ke liye kya kya chahiye? Vitamin B12, folic acid, heme. Old and damaged or worn out RBCs are destroyed in liver and spleen. पॉलीसाइथीमिया क्या है पॉलीसाइथीमिया पॉली इंक्रीज्ड पॉली का मतलब है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी जो है पॉलीसाइथीमिया एरिथ्रोसाइटोपीनिया पीनिया का मतलब है डिक्रीज्ड पीनिया मींस डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइटोपीनिया जस्ट रीड दिस स्लाइड आई विल बी आस्किंग अगेन ओके अपूर्व पाटिल काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ अपूर्व पाटिल आर यू एबल टू हियर मी नो ओके अनिकेत कैन यू हियर मी अमन शेख कैन यू हियर मी आदित्य Aditi, can you hear me? Yes, ma'am. Beta, can you tell me what do you mean by erythropoiesis? Okay, can you tell me the lifespan for erythrocyte? Lifespan kya hai, beta, Aditi? Okay. Abhishek, can you hear me? Abhishek? Arya Savant, can you hear me? Yes, ma'am. Beta, can you tell me what is erythropoiesis? The process of formation of RBC. Very good. Lifespan of RBC? 120 days. Very nice. Can you hear me? Bhakti, can you hear me? Yes, ma'am. Bhakti, can you tell me in fetus, where are the RBCs produced? Liver and spleen.
this is bhakti? Yes. Okay. Liver and spleen. And in adults, where is the RBC produced, beta? Red bone marrow. Very good. Mute yourself. Girija Telly. Can you hear me, child? Yeah, the mic is open. Jay, can you hear me? Jay Kandare. Kapil Maurya. Kaustubh Prabhu. Ketan Suryavanshi. Kulsum Sheikh. Kunal Shinde. Now, those who know the answer can unmute and answer. What do you mean by polycythemia? Polycythemia. Increase in the number of RBCs. Very good. Erythrocytopenia. Decrease in the number of RBCs. Decrease in the number of RBCs. Name the component that is needed for RBC production. Folic acid, vitamin B12, and heme. Very nice. Children, there is a hormone. Okay, there is a hormone called as erythropoietin. एक हार्मोन है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन. हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन. जो किडनी तैयार करता है, किडनी सेल्स एक हार्मोन तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन. और ये एरिथ्रोपोइटिन स्टिम्युलेट करता है, किसको स्टिम्युलेट करता है? बोन मैरो को. एरिथ्रोपोइटिन जो है कौन तैयार कर रहा है? किडनी. वो स्टिम्युलेट किसको कर रहा है? बोन मैरो को. क्या करेगा तभी बोन मैरो? इट विल प्रोड्यूस आरबीसी. ओके, किडनी जो है वो एक हार्मोन तैयार करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन. ये हार्मोन किस पे काम करता है? बोन मैरो पे. और बोन मैरो क्या करेगा? आरबीसी प्रोडक्शन. ओके, इतना समझा? रोहन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? रोहन कैन यू हियर मी? रोहन हो गया. रोजी? यस मैम. हाँ, नेम द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय किडनी. एरिथ्रोपोइटिन. ओके, दिस एरिथ्रोपोइटिन विल स्टिम्युलेट डैश बोन मैरो. सो द बोन मैरो विल डू और प्रोड्यूस व्हाट? आरबीसी प्रोडक्शन. ग्रेट. So, did you get till here, all of you? Yes, ma'am. Thank you for responding, children. Today the class was because you people have responded. Now, I said that a mature RBC lacks nucleus. Mature RBC mein kya nahi hai? Nucleus nahi hai. Uske alawa, usme mitochondria aur endoplasmic reticulum bhi nahi hai. Hamare RBC mein न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और क्या नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है. हमारे आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है, इट इज रिच इन हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. और उसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा? एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. The cytoplasm of RBC shows the presence of an enzyme called carbonic anhydrase. Okay? The cytoplasm of hemoglobin shows the presence of an enzyme called carbonic anhydrase. किसी को याद है ये carbonic anhydrase क्या करता है? किस चीज में मदद करता है? Bicarbonate. Formation of what? Bicarbonate. No. Anyone? How is this carbonic anhydrase helpful? It accelerates the production of carbonic acid. It accelerates what? The production of carbonic acid.
carbonic anhydrase accelerates the production of carbonic acid. Okay, erythrocytes are responsible for the transport of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. It also helps in maintaining pH and viscosity of the blood. Erythrocytes basically क्या काम करते हैं, transport of respiratory gases जैसे कि oxygen and carbon dioxide, maintaining pH and viscosity of the blood. Please go through this slide, just a minute. फटाफट ये स्लाइड देख लो एक बार. So children, you people need to revise till here for the next class. For today I am stopping the class. All of you take care, stay home, stay safe.